ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് ആദർശോ കോ യഹ ചരിതാർത്ഥ കർനേ കേ ലിയേ ആപ്നെ ഹർ പൽ കോശിഷ് കീ ഹൈ ഔർ ഉനി ആദർശോ കോ ചൽതേ ഹുയേ കഭി ദായി തർഫ് കേ ലോഗോ കോ തോ കഭി ബായി തർഫ് കേ ലോഗോ കോ ആപ്നെ ഉസ് തരാജു സേ തോൽ കർകേ കഭി കോയി കഠോർ നിർണയ ഭീ കിയേ ഹൈ ലേക്കിൻ വോ മൂല്യോ കേ ആധാർ പർ ലിയേ ഹുയേ ഹൈ ആദർശോ കേ ആധാർ പർ ലിയേ ഹുയേ ഹൈ ഔർ ലോക്സഭാ കേ ഉത്തമ പരിപാരിത്വ കോ ബനാനേ കേ ലിയേ वो सदा सर्वदा उपयुक्त रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है. आपने जिस श्री संगठन का शुरुआत की, मैं समझता हूं कि नए सदस्यों के लिए ये अपने आप में बहुत उपकारक काम आपने किया है. उसने डिबेट को, उसके कंटेंट को, जानकारियों को और अधिक समृद्ध करने की बहुत बड़ी भूमिका अदा की है. अध्यक्ष महोदया, 2014 में मैं भी उन सांसदों में से एक था जो पहली बार आए थे. न मैं इसकी ज्योग्राफी भी जानता था, न किस गली से कहां जाते हैं वो भी पता नहीं था. बिल्कुल नया था और हर चीज को बड़ी जिज्ञासा से देखता था, ये क्या है, यहां क्या है, ऐसा सब देख रहा था. लेकिन जब मैं यहां बैठा तो ऐसे ही देख रहा था, एक बटन किस चीज के हैं, क्या है, समझने की कोशिश करता था. तो मैंने यहां एक प्लेग देखा. उस प्लेग पर, क्योंकि मेरी तो जानकारी है कि मेरे पहले 13 प्रधानमंत्रियों ने इस स्थान पर रह करके अपना दायित्व तो निभाया है, लेकिन मैंने प्लेग देखा उसमें सिर्फ 3 ही प्रधानमंत्री के नाम है. ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या तर्क होगा? जो लिबरल विचार के बहुत बड़े विद्वान लोग रोज उपदेश देते रहते हैं वो जरूर इस पर चिंतन करेंगे और कभी न कभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे. लेकिन यानी हर चीज मेरे लिए एक नई थी, जिज्ञासा थी और उसी समय से मैं देख रहा हूं कि काम हमारा करीब करीब 3 दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी. कांग्रेस गोत्र नहीं था, ऐसी मिलीजुली पहली सरकार अटल जी की बनी थी. और कांग्रेस गोत्र नहीं है ऐसी पूर्ण बहुमतवादी पहली सरकार 2014 में बनी. और इन 16वीं लोकसभा में 17 सत्र हुए, 8 सत्र ऐसे रहे जिसमें 100% से अधिक काम हुआ. और औसतन हम देखें तो करीब 85% आउटकम के साथ आज हम विदाई ले रहे हैं. संसदीय मंत्री का अपना एक दायित्व रहता है, तोमर जी अभी संभाल रहे हैं. प्रारंभ में वेंकैया जी देखते थे, कुशलता से उन्होंने निभाया. अब उपराष्ट्रपति पद पर और हमारे वरिष्ठ सदन के संचालक के रूप में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. अनंत कुमार जी की कमी हमें जरूर महसूस हो रही है, एक हंसते खेलते दौड़ते हमारे साथी की. लेकिन इन सब ने जो काम किया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं. ये 16वीं विधानसभा, 16वीं लोकसभा, इस बात के लिए भी हमेशा हम गर्व करेंगे क्योंकि देश में इतने चुनाव हुए उसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिला सांसद वाला ये हमारा कालखंड सबसे ज्यादा.
ये अपने आप में एक, उसमें भी 44 महिला सांसद पहली बार आई थी, ये भी अपने आप में। और पूरे कार्यकाल में देखा है महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन और बातचीत की ऊंचाई हर प्रकार से हमने रजिस्टर करनी चाहिए, उतनी ऊंची थी। सभी महिला सांसद अभिनंदन की अधिकारी हैं। देश में पहली बार कैबिनेट में सर्वाधिक महिला मंत्री हैं और देश में पहली बार सिक्योरिटी से संबंधित कमेटी में दो महिला मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ये भी अपने आप में, और ये भी खुशी की बात है कि पहली बार स्पीकर महिला है, साथ साथ हमारे रजिस्ट्रार जनरल भी, हाँ सिक्योरिटी जनरल भी, वो भी हमारे यहाँ महिला के रूप में विराजमान है। इसलिए लोकसभा सेक्रेटरी जनरल और उनकी सारी टीम को और यहाँ के पूरे परिसर को संभालने वाले हर कोई अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस सदन में कोई इसका अर्थ ये न करे कि मैं यहाँ कोई गवर्नमेंट की उपलब्धियां बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो काम इस सदन ने किए हैं, अगर 5 साल का उस ब्यौरा को देखें, और हम सब इसके हिस्सेदार हैं, विपक्ष में रह करके भी उसको ताकत बढ़ाने में काम किया है, पक्ष में रह करके भी उसकी मदद की है, और इसलिए सदन के सभी साथियों का उसमें गौरवपूर्ण योगदान रहता है। हमारे लिए बीते 4.5 वर्षों में, इस कार्यकाल में, हम सब खुशी की बात है कि आज देश दुनिया की 6वें नंबर की इकोनॉमी बना है। इस कार्यकाल का ही वो गौरव का काल है और इसके सब हम सभी भागीदार हैं। नीति निर्धारण यहीं से हुआ है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियां का अपना बहुत बड़ा रोल है। आज भारत का अपना आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और आगे बढ़ने की बड़ी ताकत होती है आत्मविश्वास, जीतने की ताकत होती है आत्मविश्वास, संकटों से जूझने के सामर्थ्य होता है आत्मविश्वास। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस सदन ने जिस सामूहिकता के साथ, जिस गति के साथ, जिस निर्णय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, इस विश्वास को पैदा करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज विश्व की सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं, विश्व मान्य संस्थाएं भारत के उज्जवल भविष्य के संबंध में बिना हिचकिचाहट एक स्वर से उज्जवल भविष्य के संबंध में अपनी संभावनाएं बताते रहते हैं और ये देश के लिए स्वाभाविक रूप से यही कालखंड रहा है कि भारत डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुका है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा बचत के क्षेत्र में भारत ने दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में यह देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड किया और जिस प्रकार से आज विश्व में पेट्रोलियम प्रोडक्ट कर रहे देशों की एक गठबंधन की ताकत बनी है, वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के इस निर्णय का असर आने वाले दशकों में नजर आएगा। उतनी ही ताकत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की लड़ाई, पर्यावरण की रक्षा की चिंता, लेकिन दुनिया को एक अल्टरनेट जीवन देने की व्यवस्था, ये करने में मैं मानता हूं ये कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लॉन्च करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की एक, हमारी एक ताकत को बढ़ावा, एक लॉन्चिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन,
वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है और मैं कभी कभी मैं कहता हूं, लोगों को भ्रम होता है कि भी मोदी हैं या सुषमा जी हैं, इसके कार्यकाल में दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में वाहवाही हो रही है, वो कहते होंगे लोग, लेकिन रियलिटी जो है वो और है। जिस रियलिटी का मूल कारण है पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को रिकग्नाइज करती है। 30 साल का बीच का हमारा कालखंड वैश्विक परिवेश में इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। 30 साल के बाद 2014 में, क्योंकि जब उस देश का नेता जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है वो जब दुनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मैंडेट क्या है और उसकी अपनी एक ताकत। इस बार मैंने 5 साल अनुभव किया है कि विश्व में देश की एक स्थान बना है और उसका पूरा यश न मोदी को जाता है न सुषमा जी को जाता है, 125 करोड़ देशवासियों के 2014 के उस निर्णय को जाता है। उसी प्रकार से इसी कार्यकाल में विदेशों में अनेक संस्थाओं में भारत को स्थान मिला, विदेशों में सुना गया। अब हम देखें बांग्लादेश, इसी सदन ने सर्वसम्मति से लैंड डिस्प्यूट का सॉल्यूशन किया, ये बहुत बड़ा काम किया। भारत विभाजन से विवादास्पद और बांग्लादेश बनने के बाद संकट के रूप में चला आया, लेकिन उसका समाधान भी इसी सदन ने किया। और मैं समझता हूं कि हमारी अपनी एक विशेषता रही है कि हमने मिलजुल कर इस काम को किया और दुनिया को सर्वसम्मति का यह संदेश दुनिया को बहुत बड़ी ताकत देने वाला संदेश गया है। और मैं इसके लिए सदन का विशेष रूप से आज फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सभी दलों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमारी विदेश नीति का एक नया पहलू उभर करके आया है। दुनिया में ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज जाने अनजाने में जैसे किसी दुनिया के किसी एक छोर का ही अधिकार रहा है, बाकी लोगों को तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है, और हम तो जैसे मानव अधिकार विरोधी और इसी प्रकार की हमारी छवि बन गई, जबकि मानवता और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला यही देश, लेकिन न जाने कौन ऐसी छवि बन गई। लेकिन पिछले 5 साल में हम देखेंगे, नेपाल में भूकंप आया हो, मालदीव में पानी का संकट हुआ हो, फिजी के अंदर साइक्लोन की मुसीबत आई हो, श्रीलंका के अंदर अचानक साइक्लोन की मुसीबत आई हो, बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के लोगों के कारण आई हुई आपदा मुसीबत झेलते रहते हो, हमारे लोग जो विदेशों में फंसे थे यमन में उनको हजारों की तादाद में वापस लाने का काम हो, नेपाल में 80 देशों को हम लोगों को निकाल करके हमने उनको यहां सुरक्षित भेजा। मानवता के काम में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। विश्व में यूएन में अब तक यूएन में जितने रिजोल्यूशन पास हुए हैं सबसे तेज गति से सबसे ज्यादा समर्थन से अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो योगा के संबंध में, इंटरनेशनल योगा डे। यूएन के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सभी देशों में बाबा साहब आम्बेडकर के 125 वर्ष मनाए गए, महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई। और गांधी के 150 कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वैष्णव वजन तो तेने रे कहिए जो हम लोगों की रगों में है, आज दुनिया के 150वीं जयंती के निमित्त दुनिया के 125 देशों के प्रसिद्ध गायकों ने वैष्णव वजन को उस रूप में गा करके महात्मा गांधी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। यानी विश्व में एक सॉफ्ट पावर को कैसे ले जाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण हम आज अनुभव कर रहे हैं।
26 जनवरी को हमने देखा होगा, महात्मा गांधी को सेंटर में रखते हुए 26 जनवरी की झांकियां, सब राज्य ने किस प्रकार से गांधी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया, यानी 150वीं जन्म जयंती और महात्मा गांधी को स्मरण करना। हमने इस सदन में, इस कार्यकाल में संविधान दिवस मनाया, हमने इस सदन कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त विशेष चर्चा की, हमने इस सदन में, इस कार्यकाल में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए समय दिया और सबने मिलकर के सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल के संबंध में चर्चा की। ये अपने आप में नई नई परिपाटियां इसी कार्यकाल के, इसी सदन के आपके नेतृत्व में संभव हुआ है, और इसलिए सदन के सभी सदस्य आपके नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। करीब 219 बिल इंट्रोड्यूस हुए और 203 बिल पारित हुए। और इस सदन में जो आज सांसद हैं, 16वीं लोकसभा के संबंध में अपने जीवन के संबंध में जब भी किसी से बताएंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे तब भी बताएंगे, और चुनाव के बाद भी जब मौका मिलेगा, कुछ लिखने की आदत होगी तो कोई जीवन लिखेगा तो जरूर लिखेगा कि वो उस कार्यकाल के सदस्य थे जिस कार्यकाल में उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया। इस देश में ऐसे कानून जो पहले कभी नहीं बन पाते थे वो इस सदन ने बनाए थे, और इसका बहुत बड़ा, विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया, बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया, आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया। मैं समझता हूं कि इन 5 साल में इस कार्यकाल ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो कानूनी व्यवस्था चाहिए, जो कानूनी हक चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे कानून की एक ताकत होनी चाहिए, इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए उस उत्तमोत्तम पुरुषार्थ से इस सदन ने पारित करके देश की आने वाली शताब्दी की सेवा की। और इसलिए इस सदन को आपके नेतृत्व को अनेक अभिनंदन, न सिर्फ इस पल, आने वाली पीढ़ियां भी देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यही सदन जिसने जीएसटी का बिल पारित किया और रात को 12 बजे संयुक्त सत्र बुलाया और क्रेडिट लेने की कोशिश किए बिना पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और उस समय के राष्ट्रपति उनके हाथों से जीएसटी करके, ताकि सबको इसका हक मिले, सबका साथ सबका विकास उसमें भी चले, इसका एक प्रामाणिक प्रयास किया गया। उसी प्रकार से यही सदन है जिसने आधार बिल को एक बहुत बड़ी कानूनी ताकत दी। आधार दुनिया के लिए अजूबा है, दुनिया को ये देखा, इस देश ने इतना बड़ा काम किया है, विश्व इसको जानने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यकाल के सदन ने इस काम को कर करके विश्व में बहुत बड़ा काम किया है। देश आजाद हुआ लेकिन पता नहीं वो कौन सी हमारी मानसिकता थी कि हम शत्रु संपत्ति पर निर्णय नहीं कर पाते थे, बहुत कठोरतापूर्वक ശത്രു സമ്പത്തി ബിൽ പാരിത് കർക്കെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം ലോക്സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ സംരക്ഷണം ബി ജെ പി എം പി ബി ജെ പി എം എൽ എസ് മന്ത്രിയോക്കെ ലീഡർഷിപ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പൂരാ കൊലാപ്സ് കരുതായി. अभी आप देखिए, अभी ये यहाँ पे तो आज किसी ने कहा कि ये राफेल की बहुत धुलाई हो रही है, मैं जवाब देना चाह रहा था, नहीं धुलाई नहीं हो रही, वॉशिंग मशीन चल रही है यहाँ पे, मतलब नॉन स्टॉप ये तो चल रहा है। और ये अजीब सी बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फीलिंग ब्यूरोक्रेसी में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, एयरफोर्स में, ये फीलिंग अब गहरी घुस गई कि यहाँ पे 100% चोरी हुई है।
as far as I am concerned, a CAG report that does not mention this document, that does not mention the dissent that the negotiating team itself made on price, on timing, I don't think it's worth the paper. One second. Okay, I will come to you, sir, first. मतलब जो मैं रोज कर रहा हूं वही करूंगा मेरा काम देखिए मेरा काम मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं मेरा काम सरकार की जो कमियां हैं गलतियां हैं करप्शन है गलत पॉलिसीज हैं उसको एक्सपोज करने का काम है मैं अपना काम कर रहा हूं जब वो किसानों की मदद नहीं करते हैं मैं किसानों की इश्यूज उठाता हूं जब वो भ्रष्टाचार राफेल में करते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि सच्चाई मैं देश के युवाओं को देश की जनता को बताऊं जब वो रोजगार नहीं दिलवाते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है मैं देश के युवाओं को देश की जनता को बताऊं जब वो रोजगार नहीं दिलवाते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दूसरा एक अप्रोच जनता को दिखाऊं युवाओं को दिखाऊं तो ये तो लड़ाई चलती जाएगी देयर एक्चुअली आई थिंक दैट कॉर्नर इज कंप्लीटली लेफ्ट उन्होंने ये कब कहा किसके साथ था इंटरव्यू अरे भैया आप करिए ना उनसे इंटरव्यू आप पूछिए उनसे ठीक से मेरे साथ डिबेट करें मैं उनको बताता हूं नहीं देंगे आपको मुझे भी नहीं देंगे मैं बताता हूं उनको कौन आरोप लगा रहा है कैसे आरोप लग रहा है यहां पे पूरी दुनिया कह रही है पारिकर जी कहते हैं हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे नई डील के बारे में मालूम नहीं यहां पे निगोशिएटिंग ऑफिसर्स कहते हैं जो नई डील मोदी जी लाए हैं वो 55% महंगी है 10 साल में हवाई जहाज मिलेंगे मोदी जी कहते हैं मेरे ऊपर आरोप नहीं लग रहा है नहीं मैं फिर से क्लियर कर देता हूं मोदी जी आप पे आरोप लग रहा है और ये आरोप है कि आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से छीन के दिए हैं ये आप पे आरोप लग रहा है पूरा देश लगा रहा है I'll come to you. हां जी भैया मेंटली बैंकक्रप्ट वो तो भैया वो उनका ओपिनियन है वो मेरा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं देखिए ये तो परसेप्शन की बात है मैं यहां पे खुल के बोल रहा हूं आपके सामने आता हूं आप मुझे सवाल पूछते हैं समाजवादी के बारे में पूछते हैं राफेल के बारे में पूछते हैं मैं छुपता तो नहीं हूं ना मैं डरता तो नहीं हूं आपसे आप कभी कभी मतलब दबाव भी डाल देते हो गलत आंसर भी आ जाता है कभी कभी आ जाता है मगर मैं घबराता नहीं हूं क്യൂക്കി മേരെ സാത്ത് സച്ചായി ഖഡി റഫാലിൽ മോദിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അഴിമതിയില്ലെങ്കിൽ ജെ പി സി അന്വേഷണത്തെ എന്തിനാണ് സർക്കാർ ഭയക്കുന്നത് എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചത് ജനങ്ങളെ സർക്കാർ വിഡ്ഢികളാക്കരുതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭയിൽ പ്രസംഗം തുടരുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई कभी उधर से हुई कभी उधर से हुई कभी कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए इस सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा जरूरी नहीं इस तरफ के उस तरफ के इस सदन के नेता के रूप में मैं जरूर मिच्छामी दुक्कड़म कहूंगा क्षमा प्रार्थना के लिए जैन पर्यावरण पर्व में मिच्छामी दुक्कड़म एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला शब्द है उस भावना को मैं प्रकट करता हूं मल्लिकार्जुन से हमारा भी थोड़ा बहुत रहता था अच्छा होता आज उनका गला ठीक होता तो आज भी कुछ लाभ मिलता लेकिन कभी कभी मैं उनको सुन नहीं पाता था
तो बाद में मैं पूरा डिटेल देख लेता था और यह आवश्यक भी था, लेकिन उसके साथ साथ मेरी विचार चेतना को जगाने के लिए उनकी बातें बहुत काम आती थी। एक प्रकार से मेरे भाषण का खातर पानी वहीं से डल जाता था, तो उसके लिए भी मैं खड़गे साहब का बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं कहूंगा, जैसे कहा गया कि लंबे समय तक पूरा समय बैठना, किसी समय हम देखते थे कि अडवाणी जी सदन का पूरा समय बैठते थे, मैं खड़गे जी को देखा पूरा, ये हम सांसदों के लिए सीखने वाला विषय। और ये भी कम बात नहीं है कि करीब करीब 50 साल उनके आए हैं इस जनप्रतिनिधित्व के, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि के नाते मिली हुई जिम्मेवारी को जिस बखूबी आपने निभाया है, मैं आदरपूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं। मैं पहली बार यहां आया था, बहुत सी चीजें नई जानने को मिली जिसका कुछ अर्थ ही जिंदगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है, ये पहली बार पता चला मुझे। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती है, ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला। और जिस देश के मीडिया ने भी बहुत को उसको मजा लिया, संसद की गरिमा बनाए रखना हर सांसद का दायित्व रहता है और हमने इसकी ഭർപൂർ സമയ കോശിഷ് കി ഹൈ പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. 16th ലോക്സഭയുടെ അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉയർത്താൻ തനിക്ക് സാധിച്ചെന്നും രാജ്യത്തിന് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും നൽകാൻ ഭരണത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ സുമിത്ര മഹാജൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 16वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के समापन पर मैं ऐसा महसूस करती हूं कि अब उचित समय आ गया है जब हम इस बात का आत्मावलोकन करें कि विगत 5 वर्षों में जन अपेक्षाओं की कसौटी पर इस सभा की उपलब्धियां क्या रही और किन विषयों पर हमें और काम करना है, इसका हम निष्पक्ष विश्लेषण करें। मुझे इस बात की खुशी है कि इन 5 वर्षों में अनेक अच्छे व ऐतिहासिक पल मिले एवं देश के लोगों के लिए काम करने का, इस सर्वोच्च पद की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मिला। वही दुखी भी हूँ क्योंकि कुछ अच्छे साथी, कुछ मार्गदर्शक हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। माननीय अटल जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, हमारे सोमनाथ जी, प्रिय आनंद जी एवं लोकसभा के हमारे कई साथी उनमें सम्मिलित थे। एक दार्शनिक के अंदाज में अगर कहूं तो क्या खोया क्या पाया, पर जीवन का सत्य यही है, चरैवेति चरैवेति। സമ്മേളനത്തിന് അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ്.